पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने कबीर जी ने आकर हमें यह मार्ग बताया कि जैसे तुम लकड़ी फूंकते हो उसमें प्रदूषण साथ बराबर होता है और इसमें प्रदूषण नाम मात्र सा होता है, रुई का प्रदूषण नहीं बन पाता, घी डाले जाओ और जलाए जाओ, एक 200 ग्राम रुई से आप 10 क्विंटल 100 क्विंटल घी को स्वा कर सकते हो, हन कर सकते हो, प्रदूषण तो नाम मात्र भी नहीं है और केवल घी घी का लाभ हमें वायुमंडल में मिलता है। तो परमात्मा की इस तरीके को हमने अपनाया और ये हवन हम करते, केवल ये एक यज्ञ है, हमने 5 यज्ञ करनी है या 5 यज्ञ संपन्न होती हैं, जैसे आप जी यहाँ दान करते हैं उनका सामूहिक लाभ होता है, उसमें से आप पाठ भी करवाते हो, तो यहाँ जो पैसा है भंडारे में लगता है ये धर्म यज्ञ हो रही है, ये ऊपर शेड बना रखे हैं पंखे चले, ये धर्म यज्ञ हो रही है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, यहाँ आकर भगवान याद आता है, दूसरी बात याद नहीं आती, ये ध्यान यज्ञ होगी, भगवान के चरणों में उसकी याद बनी रहना ये ध्यान यज्ञ है, और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ जितने भी ये पाठ चल रहे हैं प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग ज्योतियाँ जलाई जाती हैं, 3 दिन तक अखंड चलेंगी और 1-3 दिन के प्रोसीजर में पूरे समागम में लगभग 1 किलो घी 1 ज्योति का स्वाह हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, और फिर भी यहाँ दिन रात हवन हम अलग से भी 1 ज्योति जला कर छोड़ देते हैं, घी स्वाह पर घी का स्वाह होना ही हवन है, मंत्र हम अपने जाप सभी करते रहते हैं वो अलग से होते रहते हैं, तो ऐसे हम पर दिन रात यहाँ अखंड ज्योति जलती हैं, जैसे जो पुण्यात्मा ज्योति हवन नहीं कर सकते घर पे या और एक्स्ट्रा ज़रूरत है उनको ग्लूकोज डालने की तो यहाँ ज्योति के लिए पैसा जमा करा देते हैं, हम उनका हवन यहाँ करते रहते, ज्योति चलती रहती, तो इस प्रकार जो केवल हवन हवन करते हैं और इनकम्प्लीट मंत्र जाप करते हैं उनको मोक्ष नहीं हो सकता, हाँ वर्क डन अवश्य मिलेगा, जैसा जिसने किया वैसा लाभ मिलेगा, लेकिन हमें तो मोक्ष कराना है, वो मोक्ष होगा इस पूरे प्रोसीजर से पूरे ट्रीटमेंट से। अब जैसे खेत में बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं और खाद घेर दिया पानी डाला नहीं तो भी व्यर्थ है, तो एक हवन यज्ञ ही कर देना तो समझो जल नहीं डाला खाद डाल दिया तो और बेकार कर दिया, तो इस प्रकार परमात्मा ने ही आकर हमें ये सुचारू प्रोसीजर परमात्मा के पाने का बताया है, अप आरती अप सजे अप किंगर अप बजे अप ताल झां जनकारा आप न से आप देखनारा कह कबीर ऐसी आरती गाऊं अप मध्य आप सुनाओ, परमात्मा ने स्वयं ही आकर दास बनना पड़ा, स्वयं ही आकर यहाँ पर भगत बनना पड़ा, स्वयं ही आकर तत्वदर्शी संत बनना पड़ा, और भगवान तो वो है ही। आज का प्रसंग सत्संग प्रारंभ हुआ था कि जैसे वर्क डन ही जीव को मिलता है, यहाँ पर कर्म प्रधान है, बिल्कुल सत्य है कर्म प्रधान है, अब हम वो कर्म क्यों ना करें जिससे हमारा मोक्ष हो, हम वो कर्म करें जिससे, कर्म तो करना ही है पेट के लिए तो कर्म सेपरेट है, लेकिन भक्ति मार्ग के जो कर्म हैं
वो हम वही करें जिससे हमारा मोक्ष हो। तो यहाँ का प्रोसीजर है, यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण यानी कर्म करेगा, साधना करेगा, तो उसको यूजलेस है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। सत सहे परमपिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा और तत्व ज्ञान का प्रचार स्वयं ही करने के लिए आते हैं। उन्होंने गुरु के ऊपर बहुत महत्व दिया है कि गुरु का होना अति आवश्यक है, और गुरु वही होता है जो परमेश्वर का कृपा पात्र होता है या स्वयं परमेश्वर ही होते हैं, और कोई गुरु नहीं होते हैं। बाकी तो नाम के गुरु होते हैं, वो नकली गुरु होते हैं। उसका प्रमाण आपके समक्ष है, रह रहकर आपको प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं कि जिनको हम ऋषि मानते थे, वर्तमान में जो सतगुरु कहलाते हैं, जगत गुरु की उपाधि भी वो लगाए हुए हैं, करोड़ों श्रद्धालुओं के भी वो मुखिया बने हुए हैं, वो गुरु नहीं है, उनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा ने गुरु जी के ऊपर बहुत वाणी बोली है और हमें ये समझाने की चेष्टा की है कि आप परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव को, गुरु को, उन्हीं के स्वरूप मानकर ही आप अपना कल्याण करा सकते हो, अन्यथा नहीं। जैसे गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आग गए यम के फंद। अब गुरु जी को मानुष करके जानते हैं तो हम उतना ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आए थे और 120 वर्ष बनारस में, काशी शहर में, एक जुलाहे धानक की भूमिका करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर आए थे। तो उस समय हम उनको परमात्मा नहीं मान पाए, नहीं समझ सके, क्योंकि हमने परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा की जो थ्योरी सुनी थी, परिभाषा सुनी थी, वो ये सुन रखा था कि भगवान निराकार है। और कोई ये कहता कि साकार में जुलाहा परमात्मा आया है, उसकी कोई नहीं सुनते थे, इसलिए हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। अब इस दास को परमेश्वर ने भेजा है कबीर जी की दया से, ये दास उन्होंने यहाँ गुरु बनाया है अपनी कृपा बख्श के। तो परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि गुरु को मानुष नहीं जानना चाहिए, फिर आपकी इतनी ही भावना बनी रहेगी। जब तक हम परमात्मा, गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक हम इस काल के जाल से नहीं निकल सकते। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। उदाहरण है कि जैसे एक गणित में ऋण का एक प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञान ज्ञात करना होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, उसके लिए सपोज करना होता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है, उससे फिर वो वास्तविक मूलधन जो लाखों और करोड़ों की संख्या में होता है वो प्राप्त हो जाता है। मूलधन 100 रुपये मानकर हम उस वास्तविक ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मानकर चलना होगा, क्योंकि जैसा भी आप यहाँ रिहर्सल कर रहे हो, जैसा भी व्यवहार, जैसी भी सोच आपकी इस दास के प्रति है, वो आपकी सोच आखिरी तक बनी रहेगी। जब आप संसार त्याग कर जाओगे
आगे परमात्मा त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में मिलेगा और वहां वो परमात्मा आपकी सद्भावना, आपका शिष्टाचार, आपके अंदर के विचार कि आप कैसी भावना इस दास के प्रति रखते हो, तो वहां आपके हृदय की अंतर्यामी परमात्मा वहां आपकी फिर परीक्षा होती है लेगा। तो इसलिए आप जी ने परमात्मा के आदेश अनुसार गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए। गुरु परमात्मा नहीं है लेकिन आप जी ने उनको भगवान मानना पड़ेगा यदि ये प्रश्न हल करना है तो, नहीं तो हो ही नहीं सकता, ये नियम है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरे प्रतिनिधि को मुझे ही जान वो मेरा ही स्वरूप समझ लेना। तो पुण्यात्मा जैसे आपके सामने भगवान आ जावे, परमात्मा आवे, तो आपका कैसा व्यवहार होगा? ठीक है, कोई निर्धन है वो माया मांगेगा, निसंतान संतान ही मांगेगा, जैसे आपके लिए हर्षद चल रही है। लेकिन आपको वास्तव में ये पता हो ये भगवान है, आपके हृदय मान ले, तो फिर आपका कैसा व्यवहार होगा? अरे सामने भगवान खड़ा और आप कैसे बोलोगे, कैसे विचार करोगे, कैसे उनके प्रति भावना रखोगे? उनको अंतर्यामी जान के आप मन में सोच भी गलत नहीं ला सकते और लेनी भी नहीं चाहिए, और न ही गुरु जी के सामने यानी प्रभु के सामने झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि फिर सारे फाउल पॉइंट है। अब गुरु जी के सामने आप झूठ के बोलोगे, कहे तो कोई गुटी ला गया बीच में, नाम टूट गया, और नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाभ हो को नहीं, कनेक्शन कट चुके ऑटोमेटिक। तो या झूठ बोल के भी के आपने फिर फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, बल्कि लाभ नहीं हुआ। और भी कोई माता दो क्या को कोई और किसी भी कारण से नाम खंड हो जाता है तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत धमका होगा, करड़ा करूँगा, भाई गलती है, खबरदार, जैसे आपने नियम भंग किए हैं, तो आपका नाम फिर शुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बार बार या हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, अगले नाम तो मिल ले जाएगा, इसका कोई समय होता है, इसकी लिमिट होती है, कितनी बार किन परिस्थितियों में आपने से खंड हुआ, फिर वो नाम आप चाहे 20 बार दे दियो काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हमने बहुत डर के, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन बेटी को काफ़ी समय के उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो जाना है उस बच्चे की, उस गर्भ की वो कितनी चिंता करती है, रात ने भी करवट लेते समय भी एकदम आंखें खुल जाती हैं तो देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आएगी, कहीं बच्चा मेरा खराब तो नहीं हो जा, ऊंचे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई बार सोचती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये भक्ति रूपी गर्भ को आपने ऐसे यत्न बना कर बचा कर रखना पड़ेगा, फिर ये अनमोल लाल आपको मिलेगा। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो क्षीण हो जाए तेरी, ऐसे भक्ति नसाए। तो हमने अपने इस लाल भक्ति रूपी गर्भ को बहुत सुरक्षित रखना है। ये बकवादकरण की बात नहीं है, ये मजाक की बातें नहीं है, इनको हृदय में धरना पड़ेगा कि हम क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से हमने उपदेश लिया है। ठीक है, शुरू प्रारंभ में हम आते हैं कोई दुख निवारण के लिए, वो भी होगा क्योंकि भगवान सारे काम करेगा, और फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं मांगोगे, केवल यही मांगोगे परमात्मा चरणों में रखना, हे गुरुजी चरणों में रखना, दूर ना करना। क्योंकि जब हम चरणों में रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन सा बालक है, अनजान है, उसने हमारी प्रॉब्लम का पता को नहीं, वो तो अंतर्यामी है, हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं पता, उसको पता है। और जो सच्चे दिल से
अनन्य मन से पतिभर्ता पद पर आके भक्ति करते हैं। पतिभर्ता पद का अर्थ है कि किसी और इष्ट की पूजा नहीं करे, केवल अपने कबीर परमात्मा की, नथिंग एल्स। तो ऐसे पतिभर्ता स्त्री की कहते हैं जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा, पतिभर्ता जमी पर जो जो धरह पाओ और समरस झाड़ू देते है कहीं ना काटा लग जावे। जैसे पतिभर्ता यानी एक इष्ट पर आश्रित और सभी उपासनाएं छोड़कर सच्चे दिल से गुरु मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुण्य आत्मा है वो पतिभर्ता परमात्मा के प्रति है। और फिर अपने जीवन रूपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है परमात्मा उस पाप रूपी कांटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं, झाड़ू देते हैं कहीं मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना लग जा, यानी कोई कर्म दुख ना दे जावे। पतिभर्ता जमी पर जो जो धर है पाओ और समर्थ झाड़ू देते है कहीं ना काटा लग जाए। तो पुणात्मा हमने परमात्मा से इतना लाभ लेने के लिए इस योग्य बनना पड़ेगा ताकि वो हमारी नो देख केयर टेक करे। जब तक हम इतने योग्य नहीं होंगे ठीक है, वर्क डन आपको मिलता ही रहेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। और कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा तो गुरु की शरण जाए, और कह कबीर गुरु रूठ जाता ना हर नहीं करे सहाय। अब जैसे जिस प्राणी के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, जब तक पुण्य रहते हैं तब तक तो प्रत्येक प्राणी सुखी नजर आता है, घर में भी व्यवसाय में भी बाल बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, शादी ब्याह भी हो जाता है। और फिर जब पाप कर्मों का दौर प्रारंभ होता है, क्योंकि ये मिश्रण कर रखा काल भगवान ने, हमारा प्रारंभ बना रखा है, तो हमारे संचित पुण्य और पापों में से जो डिपॉजिट हैं जन्म जन्मांतर के, उनमें से एवरेज रेशो से निकाल गए, अब आपका प्रारंभ बना रखे, उसमें पाप भी मिला रखे हैं और पुण्य भी, पुण्य से सुख होता जा रहा है, फिर पुण्य वाला बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी, वो खाता खत्म होया, अब पाप वाला शुरू हो गया, आपत्ति पर आपत्ति, आपत्ति पर आपत्ति आप पर प्रारंभ होगी। और जब तक आप आन उपासना भी करते थे, किसी नकली गुरु की शरण में भी थे, तो भी आपके घर में सुख होता जा रहा था, आप ये सोच रहे थे हमारे सतगुरु जी की दया से सब कुछ हो रहा है, और फिर उसी सतगुरु जी की शरण में रहते रहते सारी ब्रेन मैटी होगी, फिर कहाँ गया वो सतगुरु जी, इम्प्रूव होना चाहिए था, उतर आप तो बिल्कुल ग्राउट में आ गए। तो पुण्य समाप्त हो गए, पाप शुरू हो गए। जब इंसान कोई घड़ा दुखी हो जाता है तो वो क्या कहता है, भाई मेरा राम रूस गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा भगवान रूस गया, मेरे ऊपर आपत्तियां आ गई। और जो सुखी नजर आता है उसको आम आदमी का आग्रह, इस पर भगवान राजी हो रहा है, इसका परमात्मा राजी है, इसके घने अच्छे कर्म हैं। तो परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके पुण्य समाप्त हो गए, अब जैसे कोई व्यक्ति एक नल पर से गढ़ा भर ले गया पानी का और कहीं दूर जाकर के कार्य कर रहा है, खेत में या मजदूरी किसान का काम या जैसा भी, या अपने घर पे ले आया, जब तक वो जल है उस घड़े में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब घड़े का जल समाप्त हो जाता समस्या आ जाती है और प्यासे मर जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, फिर हैंडपम्प के पास जाते हैं और उसकी करके पूजा यानी सेवा करके हैंडपम्प से फिर भर लेते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे वो जल है वो तो मान लो भगवान, क्योंकि जल से प्यास बुझी, आनंद हुआ, सुख हुआ, और नल का समझ लो गुरु, क्योंकि गुरु बिना भगवान मिला को नहीं, ये नियम है। तो हैंड पंप ने तो गुरु मानो और मटके के जल को भगवान मान लो, वो आपके पुण्य है। तो आपके जब पुण्य समाप्त हो गए, आपके मटके का जल समाप्त हो गया, तो कहाँ जाओगे, हैंड पंप के पास जाओ, उसकी सेवा करो, मोमेंट दो उस हथली को और फिर भर लाओ।
और जो हैंडपंप है खराब कर दिया आपने, फिर जल ना मिला आपको। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, एक तरफ हैंडपंप है दूसरी तरफ एक मटके में जल है, तो कहते हैं किसको अधिक आदर करूं, एक तरफ भगवान खड़ा है मान लीजिए, एक तरफ गुरुजी हैं, तो किसके किसको प्राथमिकता दूं। परमात्मा उत्तर भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर क्या बताते हैं, कबीर हरी जय रूठ जा, यानी तुम्हारा राम रूस गया, आपत्तियां शुरू होगी, वो घड़े का जल समाप्त हो गया, तो गुरु की शरण में जा, यानी पूर्ण संत के पास शरण में पहुंच, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपने गुरुजी के प्रति ही कोई दुर्भावना पैदा कर ली, कोई उसमें दोष देख लिया अपनी ही सोच अनुसार, या कोई यहाँ अपने मर्यादा भंग कर दी, तो उसे गुरु रुष्ट हो जाता है। जैसे इस दास को जब पता चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ आ भी रहा है और कहता मैं नाम भी ले रखा है और ये बीड़ी भी पीवा है, गुट्टी भी लगा जाता है कभी कभी, तो तब मैं रुष्ट होता है, ये दास रुष्ट होता है, दुख होता है मुझे कि कोई फायदा नहीं इसके आने का, और दो चार अन और बिगाड़ेगा कि देखियो भी बीड़ी पीवा है वहाँ रामपाल का शिष्य होकर के, तो इससे दास गणा दुखी होता है। उस व्यक्ति को चाहिए अपनी गलती स्वीकार करे, दोबारा उपदेश ले ले, शुद्ध करा ले अपने उपदेश को और भविष्य में नहीं पीवे, अपना कल्याण करवा ले। तो इससे दास दुखी होता है, कोई आन उपासना कर लेता है तो भी दास दुखी होता है कि नहीं आप पतिव्रता पद पर नहीं रहे, भगवान आपको मदद करेगा नहीं, फिर लाभ क्या होगा, यहाँ डड़े धक्के खाने का या आने का कोई लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। आपने यहाँ आए हो तो लाभ प्राप्त करो, मालिक का ऐसा लाभ दे देगा आप सोच भी नहीं सकते, आप चक्कर में पड़ जाओगे क्या परमात्मा सचमुच ऐसे सुख दिया करता है, सुना करते थे लेकिन आप यहाँ देखा करोगे, आप यहाँ महसूस करोगे। तो क्या बताते हैं, जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कैडी हो, कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुसलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही, तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारद इनके हृदय न समाऊं, अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे, अब गुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुरे पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का नकसिक भरे विकार, तुम दाता दुख बंजना मेरी करो सवार, राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीने, तीन लोक के वेधनी गुरु अग अधीन। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम राम कृष्ण को तो बहुत शक्तिशाली सुप्रीम परमात्मा मानते हो, इनसे बड़ा तुम किसी को नहीं मानते लोक वेद के आधार पर। उसी उद्देश्य से परमात्मा समझाना चाहते हैं उन्हीं को उदाहरण दे करके
कि तुम्हारी दृष्टि में रामकृष्ण जी से कोई बड़ा नहीं, तो उन्होंने भी गुरु बनाया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु। संदीपनी ऋषि उनके केवल अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, जैसे शिक्षक होते पढ़ाया करें, और आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी थे। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु की, और तीन लोक के वे धनी, तीन लोक के मालिक, गुरु आगे अधीन। यानी हमने आपने अभी सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, जब राम कृष्ण जी को आप बड़े भगवान मानते हो और उन्होंने भी गुरु बनाकर ही अपना कल्याण समझा, यानी स्वर्ग तक जाने का भी उनका जो कार्य था, वापस जाने वाला काम भी उन्हीं गुरुओं से बना, तो फिर आम व्यक्ति कौन से खेत की मूली है भाई, उसकी क्या बुनियाद है कि वो गुरु बिना बात उसकी बन जाएगी। तो इसलिए एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि गुरु जी का होना अति आवश्यक है। फिर परमात्मा कहते हैं गुरु जी, अब तुम क्या करते हो, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, कहते हैं तीन लोक सब राम जपत हैं और जान मुक्ति को धाम, और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु किया, उन्होंने दिया उनको ओम नाम, बता ले भाई कर ले के करे। इब हम तो राम राम जपें, श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मान के, और श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के पास जब गुरु प्राणी गए, उनको उन्होंने वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को ओम नाम दिया था जाप करने का, बता भाई हम कहाँ खड़े कर रखे थे नकली गुरुओं ने। अब वो जिस नाम राम मानो तो ओम का नाम जाप करें, हम राम राम करें। आप जैसे कोई व्यक्ति तो लड्डू खावे राम है, क्या खावे डले, कोई बात हुई है, यानी वही जैसे कोई काजू खावे बादाम खा रहा है और हम खाओ बादाम का छिलका, यानी राम शब्द जो है उसके अंदर गुप्त है वो मंत्र, वो मंत्र आम व्यक्ति नहीं कह सकता कि तू यो मंत्र जाप कर ले, फिर वो उसका गुरु बन गया। अगर किसी ने किसी को थोड़ा सा भी गुरु रूप में गाइड कर दिया तो वो ओरिजिनल गुरु से कट के वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो गुरु बन गया। अब दोनों चौड़ चपट उसके ऊपर उसका भार आ गया। तो ऐसे ये गुप्त मंत्र रखे जाते हैं, ये सीधे नहीं कहे जाते कि हमारे गुरु जी ये नाम देते हैं, ऐसे जाप कर लो या ऐसा कर लो, नहीं, जितना कह सकते हैं भाई राम नाम बदलो, राम नाम जपया करो, राम नाम ले भाई राम नाम ले। अब वो राम का नाम अन्य है, जैसे बादाम का छिलका ऊपर कुछ है अंदर गिरी नारी है, ऐसे ही ये नाम गुप्त होते हैं। कोई जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को नाम दिया था, अब वो कहते हैं वो राम 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 कर रहा था, राम राम नहीं कर रहे थे वह, वो तो ओम नाम का जाप जपया करते। राम तो वैसे जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ना, ये हमारा मंत्र नहीं है, ऐसे राम कोई शब्द मंत्र नहीं है किसी ऋषि का, वो तो ओम से शुरू होते और ओम केवल ब्रह्म तक की जाप का जाप है, और ये भी पूरे अधिकारी से लेकर ही कार्य करता है, अन्य से नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी कि तीन लोक सब राम जपत हैं जान मुक्ति को धाम, और श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किए, उन्होंने दिया ओम नाम। अब रामचंद्र जी तो ओम नाम जप पर तुम राम राम जपो, वाह भाई वाह, किसे बेचड़ा रखे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हम कहाँ ला छोड़े भक्ति इन नालाक अनजान गुरुओं ने, नीम हकीमों ने, अपने लला के बाल उतरवा वे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवा वे देख के चीना लग जइया।
एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। जैसे पहले हम डले डोया करते, ये आन उपासना करते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, तो क्या करते हैं, गुड़गांव वाली माता के ऊपर बकरे भेंट चढ़ाए जाते हैं। अब तो प्रोसीजर थोड़ा बदल दिया है, पहले तो कटवाया करते वहां जाके, अब वहां क्या करते हैं कि कोई बालक बीमार हो गया या उसकी कुशल के लिए क्या करते थे, माता हे माता तेरा एक बकरा बोल दिया तेरे भेंट चढ़ाऊंगी, वह बुढ़िया बोल दिया करती अपने पोते पोती की खैर के लिए। और फिर जैसे ये बच्चे के जो प्रथम बाल होते हैं इनको क्या करा करते, पहले अपने इष्ट धाम पर चढ़ा करा करते। तो परमात्मा क्या कहते हैं, हम कैसे मूर्ख बना रखे थे इन नकली संतों ने, वह बुढ़िया यानी दादी अपनी पुत्र वधु को और उस पोती या पोते को जो नवजात शिशु होता है उसको लेकर गुड़गांव में वाली पर जाकर माता पर जाती है, और वहाँ जाकर नाई होता है, ये बैम बाढ़ रखे हमारे कि भ्रमणा पैदा कर रखी है कि पहले बाल जो है अपने इष्ट धाम पर चढ़ा का आवर, नहीं तो बालक का उग चुक हो जा। तो ऐसे लेकर चली जाती है कहाँ, माता के ऊपर है, और वहाँ नाई बैठा होता है, उसको कहती है भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, मेरे लल्ला के बाल काट, और धीरे धीरे काटना, देख रहे कि कैंची लाग जाए इसके कच्चा सर से। अब बुढ़िया कहती है उस नाई को कि भाई ध्यान से काटिए बाल मेरे बच्चे पोते के, कैंची ना लग जाए इसके, कि दर्द पीड़ा हो जा। कहते अपने लल्ला की तो इतनी चिंता, तेरे कैंची का भी दर्द थोड़ी सी चुभ ना जा, और एक बकरी का लल्ला लेकर और उसका गला कटवा दिया, अरे तेरा गजब हो गया, एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटवा दिया, माता तेरा बैठ चढ़ा दिया। इन मूर्खा ने न्यू मूर्ख बना रखे थे। अच्छा वह माता ये बकरे खाएगी है तो वह तो डायन होगी, फिर वह तो डायन होगी, माता तो काजू खावे, किशमिश खावे, सेब संतरे खावे, हलवा बनवा ले, पूरी बनवा ले, रहे बोले आदमी, और वह माता बैठी है बड़े कुत्ते मुते। अपरमात्मा क्या कहते हैं, रे भोली सी दुनिया सतगुर बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जिया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया। अब क्या करते हैं, वहां बाल कटवा लिए, इतने एक बाल ले लेंगे उसमें से बाल, और लेके अंदर मंदिर में चढ़ाओगे जाकर अच्छी तरह मतलब श्रद्धा से। वो पुजारी क्या करता, उनको उठा कर और कट्टे में भर दे सारे ने, ठाठा कट्टे ठोक दे, कट्टा ये बोरी, और फिर श्याम ने कुरड़ियाँ पर घेर दे ठाक है जहाँ गंद पड़ा हुआ, और वो कौन सा बैंक में जमा करा होगा उन बाड़ा ने, उसने बारे फेंकने ठाक है। तो आप क्यों ना अपने काट के कितने घेर दे उन्हें, इन बाला के चक्कर में पड़ कर मेरा ने कितनी समस्या पैदा कर रखी है। अब क्या है कि हमने देखे जगह जगह ये थान बना रखे हैं, स्थान है। एक 3x4 का चबूतरा बना देंगे थोड़ा सा, 1.5 फुट ऊंचा, और उसके सेंटर में बनाओगे ऐसा बढ़िया महल पित्तर का, 5-4 ईंट खड़ी एक आधी बराबर में, 2 पाछे आगे कोई कवाड़ नहीं उसका, खुल्लम खुला, और फिर उसने माता मान ले या पित्तर का थान बनाते हैं कि यहाँ हमारा पित्तर रहता है। किसी बच्चा ने खेल बना रखा था हमने, वो पित्तर 6 फुट का था, ईब उस इतनी आड़ी में क्यों कर पड़ेगा भाई, तो सोच कदे बुद्धि में ना आई बात भर है। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, तुम ईब क्योंकि हम सैने होगी मासी आवा हमने, और पहले इन तुचकारा कर दे, डरते अरे कदे कमें छेद जाए इसमें नुकसान कर दे, और उस पर कुत्ते बुत्ते ने भी समझ में ना आई, सगिन टांग तोड़ दे इसमें कमें होता शक्तिशाली होता ये। तो क्या बताते हैं, कच्चा पाका भोजन बना के और माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता ओ क्यों ना मर गईया रे बोड़ी सी दुनिया। अब हमारी दादी बनाया करती गुड़गांव वाली धोकनी है, वो कच्चा पाका दलिया बना के बेरा उन्हें कुत्ते ने खाना है, कौन सा को खाओ उसमें,
और नुए का चापा का ठाके और गेर के उस माता के सब उतरे पे। अब वो पूजा करनिया तो नीचे नहीं उतरे माता की भोग लगा के, इतने कुत्ते चढ़ने चार है। और उस माता के सारे दलियन खाकर ऊपर चलते हैं, पेशाब करके चले माता के चोटे में, वो पत्थर के महल के चोटी मुते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जय उसमें कोई शक्तिशाली होता तो कुत्ते की टांग तोड़ो पहले थे। तो अपने आत्माओं हम कति अनजान बना रखे थे इन स्वार्थी और अज्ञानी गुरुओं ने, हमारे जीवन बर्बाद करा दिए। हमारे सारे पूर्वज कोई भूत बना दिया, कोई पत्र बना अंडे है, धक्के खाते फिरे हैं क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप गे लठम लठा और मुए गंग पोचैया। जीवित बाप गे लठम लठा और मुए गंग पोचैया। और जब आवे आसोज का महीना, वो कौवा बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब जैसे श्राद्धों के समय में, अब जैसे पिता की गति कहाँ से शुरू करते हैं, माता की गति कहाँ से शुरू करते हैं कि माँ की पिता की मृत्यु होगी, ठीक है भाई, सवा कर दिए संस्कार, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर क्या होगा, पंडित आवेंगे गरुड़ पुराण पढ़ने खातर। ये विशेषकर शहरों में लाग गणी थी, आम गांव में तो शायद कम है लेकिन उनमें ज़्यादा थी। तो क्या करता था पंडित जी, 7 दिन तक गरुड़ का पाठ करता था, गरुड़ पुराण को पढ़ के पढ़ता था। भोग लगता जब लोग और श्रद्धालु उसको पैसे चढ़ा देते, वो काख में देकर थैले न अर्जाता रहता। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आग धर लिया फिर मरगट को ले जाई, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, प्राण बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पड़ाई। अब क्या बताते हैं कि जब तू मृत्यु हो जाती है, परिवार के सदस्य तुरंत तैयारी पकड़ लेते हैं, उठाओ उठाओ जल्दी करो, कुल के लोग आ जाते हैं और शमशान घाट में जाकर तेरा काम कर दिया तमाम, शरीर फूंक दिया। अब आते हैं वो नकली गुरु पेट भर, वो कहते हैं तेरे पिता की गति हो जाएगी, 7 दिन गरुड़ का पाठ करा ले। वो गरुड़ का पाठ कर दिया, ठीक होगी गति। फिर क्या कहते हैं, ईब अस्थि उठा इसकी, वो हड्डियाँ बच जाती हैं, जलती नहीं, कुछ ऐसी होती हैं। इन अस्थियों को उठाकर और गंगा में जाकर वहाँ पुरोहित के द्वारा जल प्रवाह कर, गंगा में प्रवाह करा दे, तेरे पिता की गति हो जाएगी। अब वो अस्थि उठाकर वहाँ से ले गए, कहाँ गए, वहाँ एक और बैठा दुश्मन, वो जाते नो पूछेगा। एक भगत की पत्नी नाम ले रही थी, वो पति नाम ना ले था, वो समस्या यही मान रहा था कि मैं अपने पिता की अस्थिया नहीं गंगा में गेर का आया तो फिर पिता पुत्र का लाभ क्यों हो, मैं जब तक मेरा पिता जीवित है मैं नाम ना लूँ, उस पत्नी को नाट्या नहीं करता, यह भी उसकी अच्छी यानी भावना थी। तो एक दिन वो उसका कोई ताऊ चाचा मर गया, उसके उनके साथ चला गया अस्थि ले गए, और वहाँ वो पेट भर पांडा बैठा था, वहाँ उनके सीमा बांट रखी उन्हें कि यो बरवा यो हिसार जिला हमारा, ये फलाना जिला हमारा, ये हरियाणा का, ये हरियाणा इतना क्षेत्र हमारा, उन्हें बांट रखी है। तो एक कहने लगा, भाई कहाँ से आए हो, कि हरियाणा से, कि आजा आजा तुम मेरे हदूर हो जाओ, ये हमारे हैं हमारे हैं। वो उड़ा बुला लिए, वहाँ चले गए, तो अपने तो करना ही था वो काम, कोई मिल जाए तो देख कर पिछली खोड गए सारा पिछला, वो थरे फलाने भी आए थे, दगड़े भी यहीं आए थे, और जजमान इबकत बहुत जन्म आए तुम, और तरा नाश जाइए। बोला मेरे तो धक देश ही होगी, दुश्मन मारे रोज मरण की बाट देखे, ये शुक्र मनावा कि इनका रोज मरा, हम रोज आवाने को इबकत बहुत जन्म आए। नो बोला उस दिन मेरा धक्का हा लग गया, कुछ ज्ञान सुन रहा था वो अपनी पत्नी के माध्यम से कि इन हड्डियाँ उठाने से कोई फायदा नहीं होता, संत गुरु जी ऐसे ऐसे बताते हैं, उसका कुछ जच्चे थी कुछ ना जच्चे थी। फिर उस दिन फाइनल फैसला हो गया,
वापस आते ही नाम लिया और अपना कल्याण करवाया। अब वहां कहते हैं जीवत बाप के तो लठम लठा है, सारी उसकी उल्टा बोल रहा है, उसकी कोई सत्कार आदर नहीं करता, ना उसकी कोई सेवा करते है। और मरे पातशाह ने होगा फिर इसकी पूजा शुरू कर दी तुमने, फिर गंगा में भवान गंगा में डालन खातिर चल पड़े उनके अस्थियों को सत्कार करने के लिए। परमात्मा फिर कहते हैं जीवित बाप के लठम लठा मुए गंग पचैया, और जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया। अब क्या होता है फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, पहले फिर महीना करते थे, पहले तो बड़ा लटोटर था, एक साल था आए महीना, आए महीना वो गुरु जी जिम्या करता, और फिर छह माई करते, फिर एक वर्षी करते, और वर्षी तो फिर गणे दिन ही चलया करती काफ़ी दिन तक, और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते कि ये पत्र बन गया। फिर कहते इसके पिंड बरवा जो भूत जो नहीं छूट जाएगी, यानी सारे फंड करवा के यूँ कराते समय ये कहते थे तेरे पिता की गति होगी। फिर आया आसुज का महीना, आसुज के महीने में श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, आसुज के महीने में श्राद्ध निकालते हैं। अब परमात्मा कहते हैं वो एक दिन श्राद्ध कर दिया, वो निश्चित दिन, जैसे कोई सातम न मर गया, आप मान ले किसी का पिताजी सातम को मृत्यु को प्राप्त हुआ, किसी भी सातम को, तो वो आसुज के अंदर 16 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं, यानी अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक 16 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं। इन 16 दिन में से जिसका सत्यम न मरा है तो सत्यम वाले दिन एक उनके गुरुजी आएंगे ब्राह्मण, और वो श्राद्ध निकाल लेगा। अच्छा बढ़िया भोजन, कुछ कपड़े उपड़े, फिर पूजा पाजा उसको चाहिए, वो सारा सौदा उसको दिया जाएगा। अब आसुज के महीने में क्या करते हैं, वह गुरुजी आता है, बढ़िया भोजन बना के सबसे पहले कहेंगे छत पर रख दो, कहता छत पर रख दो कुछ भोग लग जाएगा, तो इत वो छत पर रख कर आते हैं और कौवे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब कौवा उसको खा लिया कौवे ने, तो वो गुरुजी कहता है भाई तेरे पिता को भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिता कौवा बन गया हो, अरे तेरा गजब हो। अब कहाँ से गति कराने लगे थे, पिताजी कौवा बना के छोड़ दिया, और कहते इसकी गति होगी। अब परमात्मा कहते हैं जब आवे आसुज का महीना, अरे फिर कौवा बाप बनाया, अरे बोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए वो काग भये कल माही। फाइनल फैसला करते हैं परमात्मा की वाणी में, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। कि जय सतगुरु की संगत करते पूर्ण संत की, ये सारे झंझट खत्म हो जाते, सकल कर्म किसी भी की आवश्यकता नहीं रहती, आप सतलोक चले जाते अमरपुरी में, उस सतलोक में आपका निवास होता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अमरपुरी सत्यलोक, वहां चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में ये कहा कि जब तुझे तत्व ज्ञान मिल जाए उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी पेड़ को काट के उसके बाद उस परम पद पर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं उसी की शरण हूं। गीता ज्ञानदाता भी कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा कीजिए। अपने आत्मा अब ये श्राद्धों की बीमारी कहाँ से लगी, पुराणों से। अपुण्य आत्माओं ग्रंथ ग्रंथ में भेद है, जैसे वेद और गीता जी
पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, ये प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म द्वारा, यानी ब्रह्म को दिया था परमात्मा कबीर जी ने, और ब्रह्म ने फिर दिया है यहाँ, आपने ज्ञान दिया है यहाँ ब्रह्मांड में। तो ये जो ज्ञान है वेदों का और गीता जी का, ये विधान है प्रभु का। और जो पुराण है वो किसी ऋषि या आन देवता की अपनी सोच, अपनी थ्योरी, अपना विधान है, उसकी आज्ञा है। तो पुण्यात्माओं, हमने इन पुराणों में लिखे विधान को नहीं स्वीकार करना है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का दरोगा असोचो मित्र था, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि मेरा पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा है, कुछ इसका विकल्प बताओ। एसएसओ ने कहा, कह दिया कि मार उसका लठ, मैं आप देख लूँगा। अब उस व्यक्ति ने एसएसओ की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया, उस पड़ोसी का लठ मार दिया, उसकी मृत्यु होगी, और उसको भी पहले सजाए मौत ही देते थे, सजा मौत होगी, उसको भी फांसी दे दी गई। अब कारण क्या था कि राजा का विधान है, कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजा मौत दी जाएगी, और उसने, उस व्यक्ति ने अपने मित्र अधिकारी एसएचओ की बात मान ली, मार उसका लठ, तो विधान टूट गया राजा का, तो सजा का पात्र हुआ। तो इसी प्रकार हम वेदों और गीता जी के अनुसार साधना ना करके, हम पुराणों से यदि कोई साधना कर रहे हैं, हम परमात्मा का विधान तोड़ रहे हैं, उससे हम फिर सजा के पात्र बनते हैं, भूत बनते हैं, पितर बनते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। आपको प्रमाण देते हैं। एक रुचि नाम के ऋषि थे, वो, उसने शादी भी नहीं करवाई थी, वेदों को पढ़ा जाना, तो वो साधना करते थे, 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40-45 वर्ष के प्रौढ़ हो गए थे। एक दिन उसको उनके चार पूर्वज, यानी पिताजी, दादाजी, परदादाजी और तीसरा दादाजी, वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई, आप शादी कराओ, हमारे सरहद निकालो। तो रुचि कहता है, पितरमहो, वेद में ये कर्म कांड, श्राद्ध आदि निकालना तो मूर्खों का मार्ग बताया है, अविद्या कही है, फिर आप मुझे क्यों इस शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाना चाहते हो। पितर भी स्वीकार करते हैं कि हाँ बेटा, ये तो सही है कि वेद में इस कर्म कांड को अविद्या ही कहा है, फिर भी कहते हैं ऐसा है वैसा है, उसको मूर्ख बनाने के लिए अपनी वह तिगड़म्बाजी लगा के उस प्यारी आत्मा को भी डरा धमका के और अपने साथ नरक में डाल लिया। अब जब खुद कह रहे हैं कि वेद में सही लिखा है कि ये तो है मूर्खा की पूजा, फिर कहते ना बेटा तू, ये तो करना ही पड़ेगा, या कोई बात हुई। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इसमें आपको दिखाते हैं रुचि ऋषि की कथा। ये मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर जो है हिंदू समाज के लिए ISI मार्क है। मार्कंडेय पुराण सब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पर 42 पे आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 242, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रुच्य मुनि की कथा, रुच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरित विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे
उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, उन्हें अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्ति से रहित एवं मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष नहीं, पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। पितर पूजा, भूत पूजा, ये कर्मकांड है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, ये देखो, ये सारे भूत इकट्ठे हो रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि खड़ा है नीचे और ये ऊपर चारों भूत इकट्ठे हो गए, इसको देखिए। अब न्यो पितार दादार परदादार चौथा दादा दिख जा, कल दा बैठ जा आदमी का, है तीन भूतान ने न्यो डगम कर रखे हम तो ऐसे। फिर कुछ श्रद्धा बन जाती है, न्यो ना बिरा एक कुएं में गिर गया कोई, दरिया में बह रहा है मान लिया आपका पिताजी, तो आप उसको गेल छलांक लगा के क्या उसको बचा सकते हो? नहीं। उसको निकालने का तरीका, कोई रस्सी फेंक दे और कहे इसको पकड़ लो, तुम भी बाहर आ जाओ। और अब ये तो दरिया में डूब चुके थे, अपने बच्चे को कह रहे तू भी आ जा हमारे साथ, यहीं आ जा, यानी ये कर्म कर और मर कुएं में पड़ गए। अब देखो, रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही प्रयत्न दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रख कर जो ये आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा जो परिग्रह शून्य परिचित जल से प्रतिदिन धोआ जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रश्न करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। तरह से बोलियो, अब वो पितर राजी नहीं उसके मोक्ष होने में, नहीं होगा तुम जो मार्ग से डाओ तो मोक्ष मार्ग है, तो पितर बने मारा ही तरह भूत बन जा। ये देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर के आत्मा का प्रक्षाकलन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर क्षीण होता, जिसा इसने ज्ञान था। आगे देखो, रुचि ने पूछा, पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के टट्टू रह गया, फिर के रह गया पितरो, ये मरवा दिया बोला आदमी और गेल ला लिया। फिर कहें ऐसा है ना भाई, नू कर दे पितर, ऐसा दे देते हैं पितर, आशीर्वाद दे देते हैं पितर, इतना तो कर दे मैं इसका थन खराब कर दे, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो परमात्मा ही करेगा आशीर्वाद दे के उसके नाम पर। तो अब देखो, ये खुद कह रहे हैं कि इसमें कोई झूठ नहीं भाई, सहत या अविद्या, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के बच गया बात पक्ष है, फिर इसको भका भकू कर ला के पीछे इन्होंने बोला, ये भी यो कहने लगा, जी मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने कौन लड़की देगा, 40 साल की उम्र होगी मेरी, 42-45 की। तो ये पितर बोले, तू तप कर ले। उसने तप किया, फिर एक स्त्री आई अपनी लड़की ने ले कर, ऋषि जी आप मेरी लड़की से शादी कर लो। जब उसने शादी करी और फिर पितर वाले खड्डे में रुचि फिर पड़ गया, आप भी गिर गया। ए परमात्मा, ए बंदी छोड़। और वो पितर खुद कहे, तू तो मोक्ष मार्ग पर लग गया, गलती कर दी, पितर नहीं बने, वो पितर बनवा दिया। अपुण्यात्मा, हमने ये ज्ञान कदे सुनाया नहीं था,
और ये तो ऋषि सत्र के ज्ञान है जो ऋषि बता रहे हैं, भाई तूने ये क्यों ना करवाया, सिर आज क्यों ना काटा। अपने आत्मा अब विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के विषय में काफी डिटेल दी है। वो डिटेल दे कौन रहा है? कहीं तो औरव ऋषि राधा सगड़ को बता रहा है और ये कह रहा है कि मैंने ये बात पितरों से पता लग गया था, पितरों ने ऐसे बताया। अब पितर आप तो भूत बने हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को वो उन्होंने पुराणों में लिख लिया और उस पुराण के आधार से फिर उन्होंने आगे। अब देखिएगा, ये आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके कौन है अनुवादक? श्री विष्णु पुराण अनुवादक श्री मुनिलाल गुप्त, प्रकाशक वही है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, तृतीय अंश अध्याय नंबर 16 और यहाँ 15वें अध्याय में, 16वां यहाँ से शुरू होता है। इसमें क्या लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब का एक देसी का हथी बिला अंधा ने उत्तर दो बुलावे, अंधेगा ने उत्तर देते एक उसकी उंगली पकड़का होगा, दो हो गए खागड़। तो कहने का भाव ये है कि हम इन ब्राह्मणा नैर और पंगे पावा, इसमें बहुत कुछ लिख रखा है कि पितरों के श्राद्ध निकाला जब तो या तो दो ब्राह्मण हो या चार हो, छह हो, आठ हो, दस हो, ऐसे जमाने चाहिए, और उत्तर में मुँह हो, उनका पूर्व में मुँह हो, और भूतां के कड है तो उनके फिर 1-3 ऐसे 5-7 यानी जो 2 से भागना हो वो हो। अब परमात्मा इसमें स्पष्ट कर रखा है कि एक योगी 1000 ब्राह्मण हो भोजन के श्राद्ध में भोजन करने वाले और उनके सामने एक योगी हो। ओह, योगी कौन होता है? गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्मा के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, यानी शास्त्र अनुकूल साधक होगा।